गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपको कॉन्सेप्ट शीट के बारे में कुछ जानकारी प्रदान करेंगे जो कि आपके विषय हिंदी का ही एक प्रमुख भाग है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे हिंदी का वर्ण, अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए सही विकल्पों पर सही का निशान लगाइए। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला, वर्ण विच्छेद या वर्ण विन्यास। इसमें से जो सा ऑप्शन सही है उसके सामने सही का और जो गलत है उसके सामने गलत का निशान लगाना है। जैसे पहले क्वेश्चन का वर्णमाला हमारा सही है, इसके आगे सही का निशान और ये सब गलत है, इसका मतलब ये आपका राइट आंसर नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है वर्ण के भेद। अब वर्ण के कितने भेद हैं? 5 हैं, 2 हैं या 4 हैं? जो आपका राइट आंसर है उसके आगे सही का निशान लगाना है। फिर हम आते हैं गा नंबर क्वेश्चन, स्व अनुस्वार का चिन्ह है क्या है? चंद्रबिंदी, अंकबिंदी या विसर्ग। जो भी आपका आंसर है उसको आपको इसमें उसके आगे सही का निशान लगाना है। क्वेश्चन नंबर घा, संयुक्त व्यंजन बनते हैं किससे? भिन्न व्यंजनों के मेल से, संपन्न व्यंजनों के मेल से, स्वर व्यंजनों के मेल से। जो आपका सही आंसर है उसके आगे सही का निशान ये आपको स्वयं करना है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर डा, का से ज्ञातक के वर्ण आते हैं किस में? स्वर में, व्यंजन में या संयुक्त व्यंजन में? जो आपका राइट आंसर है उसके सामने सही का निशान लगाना है। फिर हम आते हैं चा, क्वेश्चन नंबर चा पे, री वर्ण है किसका? स्वर का, व्यंजन का या अयोगवाह का? फिर क्वेश्चन नंबर 6, चांदनी व ऊट शब्दों के चिन्ह हैं, अनुनासिक, अनुस्वार, विसर्ग। जा, हम स्वर वर्णों की सहायता से उच्चारण करते किसे? अयोगवाह का, व्यंजनों का या शब्दों का? जो आपका राइट आंसर है उसके आगे सही का निशान लगाना है। मात्रा के रूप में प्रयोग किए जाने वाले वर्ण हैं, व्यंजन, स्वर या दोनों? जो आपका राइट आंसर है उसके आगे सही का निशान। श व र वर्णों के मेल से बना वर्ण है, श, श्र, छ। जो आपका राइट आंसर है उसके आगे सही का निशान लगाना। आई होप सो क्लास, आपने इस पार्ट, इस कॉन्सेप्ट शीट को बहुत अच्छे से सुना, समझा। ओके क्लास, थैंक यू सो मच।